नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एडेप्टेशन इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर वन, लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्प्शन। नैरोइंग ऑफ लीफ इन सर्टेन प्लांट इज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर एज इन ओलियंडर एंड पाइन। तो लीफ का सरफेस इतना एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा लीफ बड़ी होगी, ब्रॉड होगी, उसका लैमिना जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा सनलाइट में, उतनी ही ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस भी होगा। और अगर निडिल लाइफ लीफ होगी या नैरो लीफ होगी तो उसमें स्टोमेटा बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। सेकेंड, लीफ अरेंजमेंट एट राइट एंगल टू लाइट सोर्सेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। और फोटोसिंथेसिस लार्ज सरफेस एरिया से ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है। और इसी तरीके से अगर लीफ एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगी तो सारी लीफ्स को प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिलेगी, ज़्यादा एक्सपोजर होगा और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। नंबर थ्री, एक्सटेंसिव इन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फॉर्म द मेसोफिल सेल। वेन सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा और मेसोफिल सेल्स में लीफ की फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। जैसे पीपल में रेटिकुलेट विनेशन इज़ फाउंड और इसलिए उसमें नेट लाइक विनेशन होता है, तो ज़्यादा एक्सपोज होती है सनलाइट से और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। दे हैव टू फंक्शन, नंबर वन गैसेज एक्सचेंज, नंबर टू ट्रांसपिरेशन। तो गैसेज एक्सचेंज अच्छे ज़्यादा होगा अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा लीफ में, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द थिकनेस ऑफ लीफ रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ आइसोलेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो जितने ज़्यादा थिक होगी लीफ, जितनी मोटी होगी, उतना कम ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, रैपिड नहीं हो पाएगा, उतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्लांट में। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट आर कंसनट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जितने ज़्यादा होंगे अपर सरफेस पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल, विच ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एडेप्टेशन इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर वन, लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्प्शन। नैरोइंग ऑफ लीफ इन सर्टेन प्लांट इज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर एज इन ओलियंडर एंड पाइन। तो लीफ का सरफेस इतना एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा लीफ बड़ी होगी, ब्रॉड होगी, उसका लैमिना जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा सनलाइट में, उतनी ही ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस भी होगा। और अगर निडिल लाइफ लीफ होगी या नैरो लीफ होगी तो उसमें स्टोमेटा बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। सेकेंड, लीफ अरेंजमेंट एट राइट एंगल टू लाइट सोर्सेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। और फोटोसिंथेसिस लार्ज सरफेस एरिया से ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है। और इसी तरीके से अगर लीफ एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगी तो सारी लीफ्स को प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिलेगी, ज़्यादा एक्सपोजर होगा और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। नंबर थ्री, एक्सटेंसिव इन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फॉर्म द मेसोफिल सेल। वेन सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा और मेसोफिल सेल्स में लीफ की फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। जैसे पीपल में रेटिकुलेट विनेशन इज़ फाउंड और इसलिए उसमें नेट लाइक विनेशन होता है, तो ज़्यादा एक्सपोज होती है सनलाइट से और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। दे हैव टू फंक्शन, नंबर वन गैसेज एक्सचेंज, नंबर टू ट्रांसपिरेशन। तो गैसेज एक्सचेंज अच्छे ज़्यादा होगा अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा लीफ में और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द थिकनेस ऑफ लीफ रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ आइसोलेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट।
तो जितने ज़्यादा थिक होगी लीफ, जितनी मोटी होगी, उतना कम ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, रैपिड नहीं हो पाएगा, उतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्लांट में। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट आर कंसनट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जितने ज़्यादा होंगे अपर सरफेस पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल, विच ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एडेप्टेशन इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर वन, लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्प्शन। नैरोइंग ऑफ लीफ इन सर्टेन प्लांट इज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर एज इन ओलियंडर एंड पाइन। तो लीफ का सरफेस इतना एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा लीफ बड़ी होगी, ब्रॉड होगी, उसका लैमिना जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा सनलाइट में, उतनी ही ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस भी होगा। और अगर निडिल लाइफ लीफ होगी या नैरो लीफ होगी तो उसमें स्टोमेटा बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, एबसेंट होंगे, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। सेकेंड, लीफ अरेंजमेंट एट राइट एंगल टू लाइट सोर्सेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। और फोटोसिंथेसिस लार्ज सरफेस एरिया से ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है। और इसी तरीके से अगर लीफ एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगी तो सारी लीफ्स को प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिलेगी, ज़्यादा एक्सपोजर होगा और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। नंबर थ्री, एक्सटेंसिव विंड सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फॉर्म द मेसोफिल सेल। वेन सिस्टम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा और मेसोफिल सेल्स में लीफ की फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। जैसे पीपल में रेटिकुलेट विनेशन इज़ फाउंड और इसलिए उसमें नेट लाइक विनेशन होता है, तो ज़्यादा एक्सपोज होती है सनलाइट से और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूमरस स्टोमेटा अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दे हैव टू फंक्शन, नंबर वन गैसेज एक्सचेंज, नंबर टू ट्रांसपिरेशन। तो गैसेज एक्सचेंज अच्छे ज़्यादा होगा अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा लीफ में, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द थिकनेस ऑफ लीफ रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सेल, फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो जितने ज़्यादा थिक होगी लीफ, जितनी मोटी होगी, उतना कम ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, रैपिड नहीं हो पाएगा, उतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा प्लांट।